कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट पेचीदा रसौलियां अंडनालियों में किसे कहते हैं, उसकी क्या अलामत है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस थे कि आपने पीसीओएस में बहुत वीडियोस बनाई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है या डिजीज है बहुत कॉमन है, ये छोटी छोटी पानी की थैलियां अंडे दानों में बैठ जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होती है, हेमरेजिक सिस्ट क्या, ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, और क्या उसका हल सर्जरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट ओवेरियन सिस्ट जो होती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर पस भी हो सकती है, फ्लूइड भी होता है। जब वो पस जम जाती है तो वो सॉलिड फॉर्म तैयार कर लेती है, और इसमें फ्लूइड ब्लड और सॉलिड जो फॉर्म है वो कलेक्शन करके जो कंपाउंड बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक नहीं, लाइक जैसे सिंपल सिस्ट है तो फ्लूइड कॉन्टेंट है, हेमरेजिक है तो उसमें एक्वस आ जाते हैं, लेकिन इसमें तीन चार मजमू आ जाते हैं, इसको कहते हैं। इसके अलावा में क्या होता है, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपको होता है, थ्रू आउट पीरियड्स भी रहता है आपको, और पीरियड्स के बगैर भी आपको रहता है, हैवीनेस फील होता रहता है, पेट फूला फूला फील होता रहता है, वेट लॉस हो जाता है आपका, भूख नहीं लगती है, और स्पेशली मेंसेस इररेगुलरिटीज, या तो आपको बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होंगे, स्पॉटिंग होती रहेगी, या तो आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हर सिस्ट की नेचर डिफरेंट होती है, इसीलिए कहते हैं कि इनको चेक करने के लिए बेशक आपकी सिस्ट बिनाइन हो, नॉर्मल हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपको अगर डायग्नोस हो गया कि आपको सिस्ट है तो आपको CA125 लाजमी कराना चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि कहीं इसमें कोई कैंसर सेल तो नहीं। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 25 होती है। अगर 25 से नीचे है, साइज भी अगर सिस्ट का 5 से नीचे है, तो कुछ हार्मोनल पिल्स, मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स की कॉम्बिनेशन के साथ हम देते हैं, और पेशेंट विद इन 6 to 4 months एवरी मंथ विजिट करना और देखना उसके साइज को, मेडिसिन असर कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जब पेशेंट फॉलो करता है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये अक्सर दोबारा भी हो जाती है अगर आप प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बनाए हुए काफी डिटेल से पीसीओएस पे भी चार्ट, आपको जरूर देखिएगा। उनको अगर फॉलो नहीं करोगे दोबारा से आप वही रूटीन अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो ये दोबारा भी हो जाती है और वो फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। इसलिए जो भी आपको पता चले तो आपने इस चीज को लाइट नहीं लेना, हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, उसको कंसल्ट करना है, ताकि उसको टाइमली अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, ना कि लेट पता चले और देर हो जाए जिसका हल सिर्फ और सिर्फ सर्जरी हो। इस तरीके से इसके अलावा मैंने डिटेल से बताई है आपको कि क्या क्या अलामत जाहिर हो सकती है। अब CA125 का जिक्र था कि CA125 अगर नॉर्मल है तो उसको हम मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं, और साइज भी अगर 5 से कम है। लेकिन अगर CA125 की वैल्यूज रेज्ड है और साइज जो है सिस्ट का वो भी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और आपको हैवीनेस, इरिटेशन, यानी कि आपकी बावल हैबिट्स भी डिस्टर्ब है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आपकी यूरिन भी इफेक्ट हो रहा है कि आपकी यूरिन ज्यादा आ रहा है, या इनकॉन्टिनेंस है, निकल जाता है, रोक नहीं सकते हैं, या ड्रिबलिंग होती है, और हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या इरेगुलर है, और ये बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सर्जरी ही करें, क्योंकि वो अलार्मिंग साइन है कि इसका कोई हल नहीं, मेडिकेशन से क्योर होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए ज्यादातर तो यही कॉमन है कि लैप्रोस्कोपी इन है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर ओपन सर्जरी लैप्रोटॉमी की तरफ हमें रिकमेंड करते हैं कि वो लैप्रोटॉमी कर, फिर उसका सैंपल लेके हिस्टोपैथी या लेबोरेटरी में भेज देते हैं कि वो कैंसरस तो नहीं है, क्योंकि शक शुबा अगर हो कोई सिस्ट हो तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। इसी तरीके से PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, पस कलेक्शन की वजह से ट्यूबे भी खराब हो जाती है, ओवरीज भी खराब हो जाती है, और बस अगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वही पस कलेक्ट हो के सॉलिड फॉर्म, जिसको मैंने सॉलिड कंपोनेंट बोले थे, वो इस इन्फेक्शन की वजह से वहां कलेक्शन होके सिस्ट बन जाती है, उसको भी मेडिकेशन एंटीबायोटिक के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत स्वेयर है जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो जो लाइनिंग है यूट्रस की, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो बाहर शट होने की बजाय कुछ कुछ अंदर मसल्स में ब्लीड करती रहती है, जो कि जगह 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 छोटी छोटी खून की थैलियां बनाती रहती है ट्यूब्स में, ओवरीज में, वो कलेक्शन होकर एंडोमेट्रियोमा बहुत बड़ा सिस्ट की फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोमा उस फॉर्म में आ जाती है, जिसको हल सिर्फ यही है कि उसमें हम लैप्रोस्कोपी रिकमेंड करते हैं, और लैप्रोस्कोपी अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ओपन लैप्रोक्टमी, ओपन सर्जरी रिकमेंडेशन की जाती है, और इंडिकेशन होती है इसको इसके बगैर ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत कम होता है कि वो मेडिकेशन के थ्रू ठीक हो, लेकिन ज्यादातर उसके लिए रिकमेंडेशन सर्जरी ही है।
सिटी स्कैन पेल्विस भी जरूर कराएं, अल्ट्रासोनिक डायग्नोस हो चुका है ताकि वो कहां तक फैला हुआ है, कोई और इशू तो नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस करने के लिए एक दफा रेडियोलॉजिस्ट से ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको आइडिया हुआ होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज नॉर्मल जो सिस्ट है उसका और कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो कहते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है और किस किस वजह से हो सकती है, उसकी क्या अलामत है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।